जम्मू में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी जोन्स के अधिकारियों की बैठक मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशन सिंह द्वारा ली गई। बैठक में विभिन्न जोन के स्कूलों में मौसम के कारण हुई तबाही के बारे में जानकारी हासिल की गई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के जेईबी बैठक में शामिल रहे। बैठक में जेडीओज द्वारा उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई। इस बारे में मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशन सिंह ने कहा कि जिन स्कूलों में नुकसान हुआ है मरम्मत के लिए विभाग जल्द ही कदम उठाएगा। बच्चों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उन अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये हमारी जो मीटिंग है तो मंथली मीटिंग हमारी होती रहती है, लेकिन आज मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है यहाँ पे कि जेईज और जेडीओज भी बुलाए हैं। अभी पीछे बारिशों की वजह से हमारे खासकर पहाड़ी रीजन में बहुत से स्कूलों की बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। अभी हमने व्हाट्सएप और दूसरे टेलीफोनिकली कुछ फोटोग्राफ भी हमने लिए हुए थे, लेकिन वो एग्जैक्ट हमारे पास डाटा नहीं है। आज हमने जेईज और जेडीओज को इसलिए बुलाया है कि ये जाके मौके पर वहाँ जाएँगे और उसका फिजिकल स्टेटस एग्जैक्ट लाएँगे, ताकि हम हायर अथॉरिटी को प्रोजेक्ट कर सकें और जो हमारे स्कूल जो हैं इस वक्त जो डिफंक्ट हो चुके हैं वहाँ उनकी छतें उड़ गई हैं, उनको बच्चों को दोबारा उस स्कूल के अंदर बैठाने के लिए हम जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को रिस्टोर करें, उसको दोबारा रिपेयर करें। इसके लिए हमने ये एक मीटिंग आज बुलाई गई है ताकि एक हफ्ते के अंदर हम इसका प्रोजेक्शन कर दें और इसका रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी लगाओ। कितने स्कूल इसमें जो अफेक्टेड हुए हैं? अभी देखिए, जो हमारा पंचायरी जोन डुड्डू बसंतगढ़ का एरिया जो है और चिनैनी के अपर रीचीज हैं, वहाँ आंधी इतनी ज़बरदस्त आई कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारी टीन की जो छतें थी, जो टिन शीटेड हमारे पास जो रूफ था वो उनके वहाँ से आउट रोटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से बाकी जो उनके दीवारों पर इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी छतें उड़ने से उनको दोबारा से हमने वहाँ रिस्टोर करना है। तो लगभग 20 से 25 तक हमारा अभी टेंटेटिव है, लेकिन फाइनल अभी मीटिंग हम ले रहे हैं। We'll be right back.